महाशिवरात्रि के अवसर पर देश भर के शिवालय में शिव भक्तों का तांता लग रहा है। देर रात से ही मंदिर परिसर में भक्तों की लाइन लगी रही। उज्जैन के महाकालेश्वर में बाबा भोले की आज खास पूजा की गई। भक्तों ने महाकालेश्वर के खास दर्शन किए। पूरा मंदिर परिसर जय श्री महाकालेश्वर से गुंजायमान हो गया। रात 2:30 बजे महाकालेश्वर मंदिर के पट खोले गए। इसके बाद भस्म आरती की शुरुआत हुई। रात 2:30 बजे बाबा महाकाल की भस्म आरती की शुरुआत होने के साथ ही मंदिर के पट 44 घंटे के लिए खोल दिए गए। 4 प्रहर की पूजा अर्चना भी शुरू हो गई है। हम बिलासपुर से आए हैं छत्तीसगढ़, और दर्शन करने में जो यहाँ का मैनेजमेंट है काफ़ी अच्छा है, और कोई दिक्कत नहीं हुई हमें दर्शन करने के लिए, और इतनी भीड़ को भी अच्छा मैनेजमेंट जो है काफ़ी बेहतर तरीके से किया हुआ है। और आज शिवरात्रि के दिन के लिए जो व्यवस्था चाहिए होता है ऐसे बड़े बड़े जो जगह है, तो ये बिल्कुल बखूबी उतनी ही तैयारी से थे और हमें कोई दिक्कत नहीं। कितना टाइम लगा? हमें दर्शन करने में 1/2 घंटे लगे। क्या मांगा आज बाबा तुम्हें दरबार में? ये तो उनको ही पता है। मेरा नाम पारस शर्मा है। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। महाकालेश्वर पुजारी आचार्य रमण गुरु त्रिवेदी। आज प्रातःकाल रात्रि 2:30 बजे से भगवान के पट खुले महाकालेश्वर के। उसके बाद से पंचामृत की महापूजा हुई, और पंचामृत की महापूजा के बाद भस्म लेपन हुआ। त्र्यंबकम् जया महेश सुगंधि पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमक्षिमाम् दादो। भस्मारती शुरू हुई, और भस्मारती के पूर्व सब प्रकार के रस से भगवान का स्नान कराया गया। दूध दही घी से शक्कर से स्नान कराया गया, गन्ने के रस से स्नान कराया गया, बेर के रस से स्नान कराया, और समस्त आयुर्वेद की जितनी भी जड़ी बूटियां हैं उन सब से भगवान महाकाल का आशीर्वाद ले दिया गया और सबका रस चढ़ाया गया। उसके पश्चात भगवान महाकालेश्वर के आशीर्वाद से गंध का लेपन, केसर गंध का लेपन कराया गया, और त्रिरत्नधारी भगवान महाकालेश्वर को विजया श्रृंगार किया गया। उसके बाद 8,000 फूलों का गुलदस्ता भगवान को अर्पण किया गया, और जितने भी मालाएं हैं भगवान को सब अर्पण की गई। उसके पश्चात महाभोग लगाया गया। महाभोग में धतूरा भी था, बेर भी था, पंचामृत भी था, जितने भी सामान 56 भोग के होते हैं सभी सामग्री करके भगवान की आरती की गई। इस प्रकार से यह क्रम 4:30 तक चलता रहा। उसके पश्चात भगवान महाकाल के दरबार में क्रम चलता रहा, भक्तों का, आने जाने वालों का। लाखों लोगों ने आज दर्शन किए। पूरा देश, पूरा विश्व आज सिमट के महाकालेश्वर के चरणों में आ गया है, और कालों के काल महाकाल ने सबको आशीर्वाद दिया। महाशिवरात्रि पर्व का जो महत्व है, कण कण में शिव है, इसलिए महाशिवरात्रि व्रत को जन्मदाता कहा गया है। महाशिवरात्रि पे विवाह भी उत्सव होता है। प्रकृति का प्रकृति से विवाह होता है, प्रकृति का शिव से विवाह होता है। इस प्रकार से आज का पर्व महान पर्व है। 4 प्रहर की पूजा होती है। आज महाशिवरात्रि के पर्व पर यदि इंसान या आदमी या जो भी भक्त है, यदि व्रत रखे, पूजा करे, आज टाइम की पूजा हो, रात्रि का जागरण करे। शिवरात्रि अब शुरू होने वाली है। शाम को 7 बजे से शिवरात्रि का व्रत शुरू हो जाएगा। अभी प्रदोष व्रत चल रहा है, लेकिन जब तक सूर्य साक्षी में सब कार्य शुरू हो जाता है तो शिवरात्रि भी मानते हैं, आज प्रदोष भी मानते हैं। इसलिए महाशिवरात्रि का पर्व, आज 5 पर्व मिले हैं, इसलिए यह पर्व विशेष हो गया है। ऐसी गाथा कही है, जटाटवी गलत जुरा प्रवाह पावित गले विलम विलम्बिताम भुजंग तुंग मालिका डमट डमट डमन निरा डमट डमर वयम चकार चंद्र तांडव तन शिवाशम। स्मशान के कीड़ा करने वाले भगवान महाकाल, चिता वस्तुओं को धारण करने वाले भगवान महाकाल, चंदन का लेप लगाने वाले भगवान महाकाल, विजया को, श्रृंगार को, भस्म धारण करने वाले महाकाल, महाकाल को बारंबार प्रणाम है। सबका कल्याण है, सब भगवान महाकालेश्वर के शरणों में है।
इसलिए विष्णु का कल्याण है, हर हर महादेव। दर्शन करने आई हूँ तो मुझे विद इन 15 मिनट में दर्शन हो गए, और दर्शन व्यवस्था बहुत ही सरल और सुगम है, और बहुत अच्छे से बिना मतलब कोई दुविधा के बहुत अच्छे से दर्शन हो गए मुझे। कितना चलना पड़ा है आपको इसके लिए? विद इन 10 से 15 मिनट, ज़्यादा नहीं। रास्ते में रोका भी जा रहा है क्या इसमें कहीं पे? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, बिल्कुल कतारबद्ध, और मंदिर समिति अपनी बिल्कुल व्यवस्था बनाए हुए, और बिल्कुल आसानी से बिल्कुल सुविधाजनक दर्शन हुए, कोई परेशानी नहीं हुई। कितने साल से आ रहे हैं? मैं 20 साल से नियमित दर्शन करने आती हूँ महाकाल के। कंटिन्यू रोज आती हूँ। भगवान से तो महाकाल खुद ही अपने में अनोखे, उनको देख के कुछ मांगने की इच्छा ही नहीं होती है मुझे, बस उनको देखते रहो। पर बस यही कहूँगी बाबा को कि जिस तरह मतलब सबसे पहले सबका ध्यान रखना, उसके बाद मेरा ध्यान रखना। मीनाक्षी ललित वासु, लोकल 18 उज्जैन से शुभम मरमट की रिपोर्ट।